Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो सुबह क्या हो रहा है 11:40. तो आज का व्लॉग ये है कि आज हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए मेरठ. तो आज मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ. कबीर के भी कुछ कपड़े लेने थे और मेरी सिस्टर को भी कुछ कपड़े लेने थे. तो मैं और सिस्टर और कबीर जाएंगे मेरठ, तो काफ़ी मज़ा आएगा. उससे पहले अपने जो घर के कुछ काम हैं मेरे अपने, तो मैं वो निपटा लेता हूँ. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय. देखिए गाइस, कबीर क्या कह रहा है. कबीर ये कह रहा है जैसे सौरभ जोशी व्लॉग का एंड करता है, ऐसे ही मैं करूँगा. और वो कब से यही कर जा रहा है और डेली सौरभ जोशी का व्लॉग देखता है. मतलब अगर मुझे पता नहीं चलता व्लॉग आ गया है तो कबीर को दिख जाता है, क्योंकि कबीर मेरा फ़ोन देखता रहता है. तो कबीर बोलता है, मामा सौरभ जोशी का व्लॉग आ चुका है. तो सौरभ जोशी का हम डेली सुबह में व्लॉग देखते हैं. सुबह ही मतलब 8 बजे आता है और मेरा भी 8 बजे ही आता है सेम टाइम पे. तो सबसे पहले हम सौरभ जोशी का व्लॉग देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे व्लॉग बनाते हैं और इंडिया के नंबर वन व्लॉगर भी हैं. तो मैं भी उनके जैसा ही काम करना चाह रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, उनके जैसा ही कर रहा हूँ, उनको कॉपी भी कर रहा हूँ. क्योंकि काफ़ी अच्छे ब्लॉगर है, इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर है, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो अभी कबीर आपको करके बताएंगे कि सौरभ जोशी ब्लॉग का कैसे एंड करते हैं. तो कबीर करके बताओ कैसे एंड करते हैं. नहीं, कैमरे पे करते हैं, कैमरे पे मारते हैं. कैसे करते हैं बताओ. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. तो गाइस, कबीर भी सीख गया है सौरभ जोशी को, जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग का एंड करते हैं ऐसी कबीर भी हमारा करता रहता है और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं. और हमारा कबीर और मैं तो सौरभ जोशी के फ़ैन हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं तो मज़ा आता है उनके ब्लॉग देखने में. तो गाइस देखिए कबीर. गाइस मैं आया था सदा पप्पी घर, सदा पप्पी को लेने के लिए. तो हम जा रहे हैं सदा पप्पी को लेकर घर और इसना को. तो ये सदा पप्पी का घर देख सकते हैं आप. ऊपर सदा पप्पी का फ्लोर है और नीचे आप देख सकते हैं कितना प्यारा घर है. और मैं आपको दिखा देता हूँ. ये था सदा पप्पी का घर और मैं सदा पप्पी को लेकर जा रहा हूँ घर, क्योंकि इसना साथ जाएगी हमारे और वो काफी रो भी रही है. तो मिलते हैं आपसे बाद में. ये चलते हैं हम वापस घर और ये रही मेरी इजना मेरी गोद में. देखिए धूप में आती कैसी आंखें मिच गई उसकी. तो चलिएगा चलते हैं हम घर वापस. सब वेट कर रहे हैं हमारा खाने पर. तो अब लंच टाइम है तो जाकर लंच करेंगे हम. तो मिलते हैं आपसे बाद में. हम वापस आ गए घर. इजना कल भी घर आई थी और आज भी घर आ गई है. तो हमारे यहाँ आज जुमेरात बाजार लग रहा है, तो सदा पप्पी आई है जुमेरात बाजार के लिए और इजना भी आ गई है. देखिए गाइस, मम्मी कर रही है किचन की सफाई, क्योंकि ईद आने वाली है. अब 2 दिन बीच में रह गए हैं तो आज मम्मी कर रही है किचन की सफाई. आप देख सकते हैं आज मम्मी काफी थक गई है, क्योंकि पहले लंच रेडी किया और अब किचन की सफाई कर रही है. हमने भी अभी लंच नहीं किया तो हम करेंगे लंच. तो मिलते हैं आपसे. तो देखिए गाइस, हमने पिया गन्ने का रस, क्योंकि हमारे घर के पास गन्ने का रस वाला आया था. तो हम गन्ने का रस पी रहे हैं. देखिए कैसे निकाल रहे हैं वो. तो आज हम गन्ने का रस पियेंगे, बहुत टाइम हो गया था और काफी दिन बाद आए हैं ये अंकल. तो आज हम गन्ने का रस पी रहे हैं. गाइस मैं जा रहा हूँ इन शप्पी को लेने के लिए. अब हम लंच करेंगे बाद में. तो अब इन शप्पी भी आ रही हैं, तो शाम को तो साथ में जाना ही था मेरठ मार्केट शॉपिंग करने के लिए ईद की. तो वो अभी आ रही हैं, तो अब वो हमारे साथ लंच करेंगी आकर. तो हम लंच करेंगे सब एक साथ बाद में. तो मैं पहले इन शप्पी को लेने जा रहा हूँ. तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. देखिए गाइस, हम आ गए इन शप्पी को लेने के लिए सन सिटी. तो इन शप्पी अंदर है. कहाँ जा रहे हैं हम बोलो? नानी के घर जा रहे हैं. और ये क्या पहन रखा है आपने? ये हाथ में क्या पहन रखा है? ये चूड़ी मम्मी की आपकी चूड़ी है?
तो देखिए गाइस हम जा रहे हैं घर। हानिया भी रेडी हो गई है और हदीका जाकर होगी अपनी नानी के घर रेडी। अभी सोकर उठी है जस्ट अभी, तो हम चलते हैं हदीका की नानी के घर। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम जा रहे हैं घर, सदा इन सब भी रेडी है और हदीका भी और हमारी प्रिंसेस हानिया भी रेडी है। देखिए बस हम मिलते हैं आपसे घर जाकर, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हम आ गए वापस घर इन शप्पी को लेकर। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सब कैसे बैठे हैं, और जब सब एक जगह होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और बातें होती हैं। आपको तो बताइए पता नहीं क्या क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सब कैसे बैठे हैं बातें कर रहे हैं। तो देखिए गाइस सब बैठे हैं यहाँ पर, इन शप्पी, कबीर, सदा पप्पी और मम्मी ये रही, और सारा फैला हुआ है। कबीर ने सारा घर फैला रखा है, सफाई करते रहो, कबीर सारा गंदा करता रहता है। तो सब बैठे हैं यहाँ पर, अभी हम लंच करेंगे सब एक साथ बैठकर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस ये है हमारी हानिया प्रिंसेस जो कि अपनी नानी के घर आ चुकी है, और ये हमारी इजना जिससे आप कल भी मिले थे। कल हमारे व्लॉग में इजना को आपने देखा होगा, तो अब फीटर पी रही है और कल भी फीटर पी रही थी और रो रही थी। तो इजना ज्यादातर रोती रहती है। गाइस मम्मी ने बनाई है मसूर की दाल का भुर्ता और रोटी। अब हो गया हमारा लंच टाइम, तो हम कर रहे हैं सब लंच। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो देखिए गाइस हम जा रहे हैं मेरठ शॉपिंग करने के लिए ईद की। तो मैं बस अब निकलने वाला हूँ इन शप्पी के साथ, और कबीर का जाना कैंसिल हो गया है तो कबीर नहीं जाएगा हमारे साथ, बस हम दोनों जा रहे हैं और हदीका। तो गाइस हम जाने के लिए रेडी हैं, बस मैं 5 मिनट में निकल जाऊँगा मेरठ के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे मेरठ जाकर, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हम जाने के लिए रेडी हैं, इन शप्पी ये रही, हदीका भी ये रही साइड में, ये रही साइड में हदीका। तो हम जा रहे हैं मेरठ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो देखिए हम बेगमपुर की मार्केट में आ चुके हैं, नैयर शोरूम के सामने हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम जाएंगे मार्केट के अंदर, तो चलिए चलते हैं हम मार्केट के अंदर शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले इन शप्पी अपनी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम कबीर के लेंगे, और वो अपने चप्पल वगैरह भी लेने के लिए बोल रहे हैं, तो हम चप्पल लेने के लिए भी जाएंगे। तो देखिए इन शप्पी ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं वो अपनी फ्रॉक वगैरह पसंद कर रही हैं। तो अब हम आ गए हैं पिंडी वालों के शोरूम पर, अंदर से फ्री होकर हम आए हैं पिंडी वालों के यहाँ। तो देखिए अब हम आ गए हैं कबीर के कपड़े लेने के लिए, और हम यहीं से बच्चों के कपड़े लेते हैं शुरू से। तो अब हम आ गए हैं शिकंजी पीने के लिए, मार्केट से फ्री होकर हम शिकंजी पीने आ गए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो हमने यहाँ पर आकर शिकंजी पी। अब हम जा रहे हैं वापस घर, हमारी शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट और हमने अभी शिकंजी भी पी ली है। तो हम मिलते हैं आपसे घर, तब तक के लिए बाय बाय। बाय, अब निकल चुके हैं घर के लिए वापस, हम जा रहे हैं वापस घर। देखिए रास्ते में वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ, पोपट हो गया है। गाइस हमें वापस मेरठ जाना पड़ेगा क्योंकि इन शप्पी को जो साइज़ चाहिए था, वो जो कपड़े लेने गई थी उनको जो साइज़ चाहिए था वो साइज़ उनको नहीं मिला, मतलब उनको गलती से दूसरा साइज़ आ गया। तो अब हम वापस जा रहे हैं मेरठ के लिए, तो हम वापस जा रहे हैं चेंज करने के लिए क्योंकि वो गलत आ गया है। तो अब वापस जाना पड़ेगा, और हमारे साथ काफ़ी, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना बड़ा पोपट हो गया, मतलब मेरठ गया वापस से फिर मेरठ जाना पड़ेगा हमें वापस चेंज करने के लिए, क्योंकि ईद पर पहनना है उनको, ईद के लिए 2 दिन बचे हैं। तो अब काफ़ी बड़ा पोपट हो गया है, वापस मेरठ जाना पड़ेगा हमें। तो गाइस चलते हैं मेरठ वापस।
गाइस हम निकल रहे हैं जल्दी से और हम जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे, तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस जा रहे हैं हम वापस घर, जो हमें चेंज करना था साइज वगैरह जो था वो हमने चेंज कर लिया है, तो फाइनली हम वापस घर जा रहे हैं। और इन सब बिना आज थकवा दिया है, थक गए हम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दो चक्कर लग गए मेरठ के, मतलब चार राउंड लग गए हमारे। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर, मिलते हैं आपसे घर जाकर, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं मेरठ से, मेरठ के दो चक्कर लगे हैं, मैं बता नहीं सकता इन शब्द के ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है और हंसी भी बहुत आ रही है, क्योंकि हमारे साथ पोपट हो गया। उनको जो साइज लेना था डबल एक्सल साइज लेना था, उनको वो डबल एक्सल साइज नहीं आया, वो एक्सल साइज लेकर आ गई। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब हम कुछ चीज़ लेने जाएँ, पहले सबसे पहले शॉप पर ही अपना साइज़ वगैरह जो भी हो सब कन्फर्म कर लेना चाहिए, तो जब ही शॉप से उतरना चाहिए। तो आज हमारे मेरठ के दो चक्कर लगे, मैं आपको बता नहीं सकता कितना थक गया हूँ, और आँखों में इतनी धूल, क्योंकि हमारे मवाना रोड पर रोड का काम चल रहा है और इतनी धूल आँखों में मैं बता नहीं सकता, काफ़ी बॉडी में पेन भी हो रहा है, और मतलब एक्टिवा पर बैठा भी नहीं जा रहा था, थक गए थे बिल्कुल काफ़ी। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।